तो उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया। नहीं, हैरत है, तुम्हारे ना जाने के बावजूद भी वो तुमसे खफा नहीं हुए? अम्मी, आप जिस तरह आगा साहब को समझती हैं ना, वो उस तरह के बिल्कुल भी नहीं। वो आज भी मुझसे उसी तरह ही मिले जिस तरह वो पहले मिलते थे। तो कहीं उन्हें अब तक तुमसे कोई उम्मीदें बाकी तो नहीं है? मैं पहले ही उनसे बहुत शर्मिंदा हूं और आप इस तरह की बातें कर रही हैं। शर्मिंदगी कैसी? हमने किया क्या है? वादे के मुताबिक बारात लेकर गए तो थे। अम्मी, वो एक हादसा था, उसमें मुकद्दस का कोई कसूर नहीं था। चंद जेवरात के लिए डाकू ने उसे अगवा किया था और उसे घर लाके छोड़ दिया, बस। अच्छा, और वो उसके घर के बारे में पहले से जानते थे जो उसे खुद आकर घर छोड़ गए? आप मुसलसल इस लहजे में मुकद्दस के लिए क्यों बातें कर रही हैं? आप तो बिल्कुल भी इस तरह की नहीं थी। क्योंकि उस रोज मैंने लोगों की जो नजरें और बातें बर्दाश्त की है ना, वो तुम नहीं समझो। मैं सब समझ रहा हूं, इसमें कसूर किसी का भी नहीं। कसूर तो सिर्फ हमारा ही है जो हमने उन अमीर लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश की।